भूख इतना लगा था कि खाना खा लिए, आपने जैसे देखा मेरे पिछले ब्लॉग में। अभी हमें रूम पे जाने के लिए यहाँ पे कोई ग्रैब कोई गाड़ी वापस हमें घर पे जाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है साधन। सोच रहे हैं किस तरह से जाएँ, शायद यहाँ से जाने के लिए 2 घंटा 45 मिनट पैदल चलना पड़ेगा और हमें पैदल हो सकता है चलना पड़े। देखते हैं अगले वीडियो में कोई साधन मिलता है या फिर कोई गाड़ी वाड़ी मिलती है जिसकी वजह से हम लोग जा सकें वापस अपने रूम तक। तब तक देखते रहिए हमारा ब्लॉग। अभी रास्ता तो क्रॉस कर दिया हूँ मैंने, अब यहाँ से घर रूम पे अपने रूम तक जाने के लिए ना एग्जिट दिखा रहा टाइमिंग 2 घंटे 35 मिनट, टोटली 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। सो गाइस देखते हैं, अभी बज रहा है 3:09, पहुँचते कितने बजे तक, तब तक हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं और आपको दिखाते हैं ये वीडियो। अभी खाना धो गया है, पानी पी लिए हैं, सब कुछ रेडी है बैग के अंदर। सो हम सोच रहे हैं आज पैदल ही चले। ये जो मोमेंट है ना, 4 महीने के बाद जो हमें टाइम मिली है इसको एक्सप्लोर करने के बाद हम आप लोगों को दिखाएँ कि हम लोग पूरे 2 घंटे 35 मिनट टोटली 13 किलोमीटर पैदल ही चल के एक्सप्लोर करेंगे। और बीच में क्या होगा, क्या पुलिस पकड़ी क्या होगी वो तो पता नहीं, देखने क्या होगा। इस 13 किलोमीटर 2 घंटा 35 मिनट की जर्नी में कितने वीडियो कितने पार्ट्स कितने एपिसोड हम बना सकते हैं, बनाते जा रहे हैं। ठीक है, बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ में क्या हो रहा है और हम क्या गलती कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब भी स्टार्ट करें अपना ब्लॉग, अपना जब भी कुछ करें कहीं भी जाएं, ऐसी गलती आप लोग ना करें। तब तक बने रहें जैसे हम कर रहे हैं, वो भी पैदल चल के 13 किलोमीटर इस हाईवे पे, जो कि यहाँ पे जनरली अलाउड नहीं है पैदल चलना हमारा देश नहीं। हम तो सवाल उठा सकते हैं कि नहीं, जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे जाएंगे, लेकिन जनरली यहाँ के गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती किधर भी जाने के लिए हाईवे पे, खास करके हाईवे के ऊपर। गाइस आप लोगों को यकीन होगा कि इस हाईवे पे 13 किलोमीटर दूरी 2 घंटा 30 मिनट का रास्ता है पैदल चल के, कोई भी गाड़ी नहीं रुक रहा है, टाइम हो गया है 3:14 है और कोई हमें लिफ्ट नहीं मिल रही है, जाइकिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमें चलना है, घर पर जाना है किसी दे करके, कोई लिफ्ट हमें नहीं मिली है जिससे हम लोग पैदल चल रहे हैं रूम तक। और टोटल दूरी जो है 13 किलोमीटर है, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिखा रहा है मैप, गूगल बाबा दिखा रहे हैं 2 घंटा 30 मिनट, शायद 3 घंटा लग सकता है 4 घंटा लग सकता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है इतनी दूरी है, पैदल चल के जाना है, कोई भी गाड़ी का मतलब साधन नहीं इधर है और सोच रहे हैं कि पैदल ही चलें, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये जर्नी जो है कि कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, देखते रहिए हमारा ब्लॉग और वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 13 किलोमीटर दूरी है यार पैदल करके चलना है, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती किधर पैदल करके जाने के लिए हाईवे पे, ऐसा है। इशारा कर दे कि इधर मट्टी डालो उधर मट्टी डालो। अच्छा अच्छा, तो बस एक साल तकरीबन हो गया कि इधर अभी काम खत्म हो गया। ओके, तो अभी बॉस बोलता है कि बस अभी 2-3 दिन इधर रहो, अच्छा, उसके बाद जाएंगे दूसरे साइड में। अच्छा अच्छा, इधर से तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है दूसरे साइड का। अच्छा अच्छा, उसको किलिंग पता से फिर लेकर पार होंगे। अच्छा अच्छा, तो उधर वापस अभी जाएंगे काम एक दो दिन बाद इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, वैसे आपका नाम क्या है? सादिक। सादिक, आप कहाँ रहने वाले हो? मैं मर्दान का। मर्दान का, पाकिस्तान में मर्दान। अच्छा, वहाँ मर्दान में कौन सी भाषा चलती है? पश्तो। पश्तो, पश्तो भाषा चलती है। पश्तो। ओके, ये भाई साहब पाकिस्तान से रहने वाले हैं, जो कि अभी हम लोग चलते चलते हमें मिल गए रास्ते में और उनसे पूछ बैठे, हमारी हम हिंदी में बात कर रहे थे, उनको भी मेरी भाषा समझ में आई, तो लोग पूछ दिए कि भैया कहाँ रहने वाले हैं, इंडिया से रहने वाला हूँ भाई। बातें करते 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 बातें हो गई, अभी ये लोग भी हमारे साथ में ही चल रहे हैं।
पाकिस्तान में 6-7 महीने गुजार दिए। ओके ओके। उसके बाद बस मलेशिया आ गए। उधर मेरा एक कज़न था, उसने बोला यार मलेशिया जाना है। हाँ। मैंने बोला ठीक है यार, अगर तू बोलते कि मलेशिया जाए तो सही। अच्छा? उसने बोला सही है यार, क्योंकि यार तकरीबन 8-10 साल पहले आपने देखा होगा एक पाकिस्तानी ड्रामा था मलेशिया में बना हुआ था, मैसूरी ड्रामा था। हाँ हाँ, मालूम मालूम। वो ड्रामा में हमने देखा था कि यार मलेशिया तो यार खूबसूरत जगह है, खूबसूरत बहुत सोच के हम भी आए हैं इधर। बस वही ड्रामा देख के ना, तो उसके बाद तो फिर सऊदी चले गए, तो सऊदी में 4 साल गुजारे, उसके बाद आ गए। अच्छा अच्छा। तो कज़न बोला है कि यार अभी मलेशिया जाए। अच्छा। मैंने बोला तू जाते हम भी आपके साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ भाई। उसने बोला ठीक है, पर फिर आ गए मलेशिया भी, आ गए मलेशिया भी देखा, घूमा फिरा, बस इधर यार भी बस अच्छा लग रहा है। अच्छा यार, अच्छा मतलब अपने देश के जैसे, जैसे हम लोग अपने देश में आज़ादी से रहते हैं वैसा हमें महसूस हो रहा है, ऐसा ना? हाँ ऐसा यार, बस कोई नहीं, अपना काम से काम, अपनी काम से काम रखो, अपने अंदर खुद से किसी भी डिस्टर्ब मत करो। हाँ। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ। बराबर बराबर, नहीं बुरा यार, इधर सारे बस एक बात है, कभी भी होते ना बच्चे होते, चाहे वो नेपाल हो, इंडिया हो, बंगला हो, वियतनाम हो, जो भी हो, जो भी हो, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे भी खाते पीते भी है, मसला नहीं होता, टेंशन नहीं होता। बराबर बराबर बराबर। वो जिस तरह भाई होता है ना, सगा भाई होता ऐसे, ऐसे, है उसी तरह जिंदगी गुजारता है। मैं समझता हूं, समझता हूं, क्योंकि मैं खुद रह रहा हूं साथ में ना। यार मजा भी करता है ना, सारे अलग अलग देशों का होता है ना, मजा भी अपनी, मतलब कि अपने अपने लोग सुनाते हैं भाई हमारे ऐसा, अपना अपना बुलाते हैं, यही मानते हैं हमारे से, मजे एक अलग से आता है, एक अलग से फील आती है कि भाई कहाँ से कौन से आया। बिल्कुल बराबर ना। कलो के तभी की मुतिया रे मंग ब्रेपा पे ब्रेपा जंबो संपा या यु बने अपा ना काकी बंग जल काकी बंग। हां कलो ये नाई नाई तो बुकी दुलो लती तुरुन बले इति सना लगी तब ब्रेपा हरी तीगा। लो भाई अभी मैं आप लोगों को इस पे वीडियो में बताया कि नहीं कितने दिन में पहुंचूंगा, 2.5-3 घंटे में। मेरे अब मेरे भाई साहब बता रहे हैं कि 3 दिन में पहुंचोगे हम लोग। क्या कर बोले कर ओके ओके। फर्स्ट तो एकदम ओपी की तो आकाश में है तो टेंपल। हां हां, इतनी अभी ये डेस्टिनेशन है सीने सुरक्ष से अभी फर्स्ट की तो मैं सब पे आकाश जो ना। तभी किताबें इसका गूगल मैप बंग में टीपू ला वो चमे नबी की अब पता नहीं कुछ तो सीखा बे तो क्या सती चलो बोल जला कक्की सब पैसा ला। हां थप्पा कसम सुना बीस और सब पैसा तो इतु लेप जैसे पंग। ओके बंग बसे बंग भाई अभी जो भाई मेरे से बात कर रहे थे ना, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम जो पैर का जो सोल है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मैं उनको बोला भाई साहब एक तो 4 महीने बाद निकले हैं, पैदल चलने में तो हमें, आप तो बैठे बैठे कमा रहे हो, हमें तो 4 महीने बाद मिला है घूमने के लिए किधर। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया रास्ता बताओ हम जाएंगे, गूगल बाबा जो है कि मैप तो गलत बता रहे हैं आप, मैप बता दो। बोल रहे हैं इतना बड़ा मैप लेके मेरे से क्या, मैं गूगल बाबा बन गया हूँ क्या, मुझे भी लॉन्च कर रहे हो क्या यहाँ पे आप लोग। देखा था जो अंकल जो भाई साहब मेरे साथ बात कर रहे थे वहाँ पे 30 रुपया किलो था जिसको डूरियन बोलते हैं, और यहाँ पे 10 रुपया किलो। यार ये हाईवे पे चलने का चक्कर क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। हम लोग मेरे पीछे लिखा है बोर्ड पे केजी मलायु कंकर पुलाई, यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अभी आगे की जर्नी जो है ना स्टार्ट है, अभी तो मात्र 20-25 मिनट हुआ पैदल चल के हमें, अभी तक क्या हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे तो अभी कम से कम 1 या 2 ब्लॉक बन जाएंगे पैदल चलते चलते, हमें इतनी दूरी है, बस बने रहिए हमारे वीडियो तक। यार एक सुनसान इलाका, घनी बस्ती से बगल में पैदल चलने का जो मिजाज होता है ना, शायद जो पैदल चलता है ना वही जानता है। जिस दिन आप लोगों को टाइम मिले ना कभी कभी अपने घर से दूर 2-4, 10-15, 20-25, 150 किलोमीटर दूर ही जाके
पैदल चल के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एक बार देखिएगा कि लाइफ में क्या होता है, लाइफ कैसी होती है, चलने का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कैसा होता है। आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा एक्सप्लोर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। एक बार आप लोगों को टाइम मिले ना, प्लीज़ आप लोग चलते रहिएगा, देखते रहिएगा कैसा लगता है। डा चलते 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 यहाँ पहुँच गए हैं। देखो कैसा लग रहा है। तैयारी वाले पागल मत होना, हम लोग आ जाएंगे, पैदल ही आएंगे, आएंगे लेकिन पहुंचेंगे रूम पे, टेंशन मत लेना आप लोग। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे 1 साल 2 साल 3 साल लेकिन पहुंचेंगे पैदल, पैदल ही आएंगे। ग्रैब गाड़ी नो टैक्सी, हिचाइकिंग भी नहीं करेंगे किसी के, मैं लिफ्ट भी नहीं लेंगे, हालांकि लेते हैं लिफ्ट, ऐसी बात नहीं है, हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज का हम लोग का एम है ना, हम लोग जो एम है, जो एम है ना, पैदल जाने का है। ठीक है, बस चलते हैं चलते हैं चलते जाएंगे चलते हैं, देखते हैं इस बीच में कितना ब्लॉग बनता है, लेकिन बनाते जाएंगे आज। देखिए हमारे पीछे एक गांव है, लाइव गांव है ये। अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, हाँ पहुँच गए हैं उस टाइम तक, देखते हैं आगे तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, करना है क्या है। चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, 4 बज गया ऑलरेडी, 4 बज गया, 1 घंटे हो गए हैं, 1 घंटे हो चुके हैं पैदल चलते चलते, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, लोकेशन आएगा पता नहीं कब, एक्सप्लोर कर रहे हैं। थकाई भी आ गया, प्यास भी लग गया, लेकिन पानी पियेंगे, यहाँ पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, पेशाब कहाँ करेंगे। कहाँ तक पहुँचे हैं कुछ तो एरिया मालूम नहीं पड़ रहा है क्या लिखा है, लेकिन चलते जा रहे हैं, जर्नी स्टॉप नहीं कर रहे हैं, आगे तक देखते हैं। फाइनली हम लोग 1 घंटे चल चुके हैं, 1 घंटे से ऊपर, लेकिन रास्ता कब नज़र आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब तक पहुंच जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, कि रास्ते में हमको सोना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग फिर से हेल्प भी नहीं मांग रहे हैं ना, कुछ टाइम 1 घंटे तक वेट किया हम लोगों ने हेल्प मांगते मांगते, इधर भी लिफ्ट मिला नहीं, तो बेचारा यार पैदल चलते हैं आज, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे चलना पड़ेगा पैदल, इसलिए चल दिए, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। बीच में जो भी मिल रहे हैं, जो भी लोग मिल रहे हैं उनसे बातें करते, हंसी मजाक करते हुए जो दुनिया में मिल रही है बातें करते चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। यूँ ही और नया बलाय पुलिस, मतलब कि पुलिस स्टेशन जहाँ पे होता है, आई मीन जेल जो होता है, वहाँ तक पहुँचे हैं। अरे लगता है गूगल बाबा जो है कि हमें आज जेल में लेके जाने वाले हैं। फोर्टी फाइव मिनट्स आई मीन 1.25 घंटा कवर कर चुके हैं, अभी भी गूगल जो है हमें बता रहा है 1 घंटा 50 मिनट लगेगा, पता नहीं रास्ते में चलते चलते गूगल, अब हम तो गाड़ी नहीं है फिर भी हमारी ट्रैफिक बढ़ जा रही है, हम तो रास्ता पर रुक भी नहीं रहे हैं। देखो अभी भी लिख रहा है इस पर कि 1 घंटा 50 मिनट और लगेगा, चलो
ये हम लोग ठान ही लिया है पैदल चलने के लिए। अब 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे 4 घंटा लगे चलना है। ये यार हम क्या है ज़िंदगी में यार, बस ज़िंदगी एक जर्नी है। सबके लिए सब कुछ तो कर दिया है, मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया इस तक ज़िंदगी में, अपने लिए कुछ भी नहीं कर। पीछे का बोर्ड भी टूट गया है। एक गूगल बाबा कहाँ लग जा रहे हैं, ये हमें तो रूम के अंदर घुसा दिए किसी के। क्या बात है, लगता है ये रूम की जगह पहले रोड था, इसलिए जो है उल्टा कर दिया उन्होंने। अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं गांव से गुजर के, ये मलेशिया का गांव है, आप लोग खुद देखते रहिए मलेशिया का घर कैसा होगा। ठीक है, मलेशिया का गाँव है जिससे हम लोग पैदल चल रहे हैं। हम इस गाँव से पैदल चलते 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 आगे हम जाएंगे। ठीक है, देखो ना यार जिस चीज़ का मुझे डर होती है ना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर होती है यार, वो किधर पकड़ लेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अबे कुत्ते यार, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, शायद आप लोगों को दिखे ना दिखे, वो आदमी के बगल में, लेकिन मुझे दिख रहा है। अरे यार मुझे बहुत डर तो लगता नहीं, लेकिन हालांकि ये होता है कि नहीं कब किधर पकड़ लेंगे। जो इंजेक्शन लगे ना, उस इंजेक्शन से बहुत डर होता है मुझे। देख लो